सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी अपने परिवार के लोगों के फर्म से खरीदी का ठेकेदारों पर दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही गरीबों के नाम भी गरीबी रेखा सूची से काटे जा रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार व 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम में कई कर्मचारी और अधिकारी कई सालों से पदस्थ हैं, इसलिए नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। इस दौरान अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि नगर निगम में गरीब मजदूरों का हक मारा जा रहा है। निगम के अधिकारी सत्ताधारी नेताओं की मिली भगत से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा यदि इन समस्याओं का निराकरण 15 दिवस में नहीं किया गया तो शहर कांग्रेस नगर निगम में तालाबंदी करने के लिए बाध्य होगी। अब पात्र लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, लोगों की जो राशन लगातार राशन मिल रहा था वो राशन के नाम से काटे जा रहे हैं। सस्ते गल्ले की दुकानों से उनको राशन नहीं मिल रहा है। स्वच्छता 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 के नाम पे तमाम फंड खाए जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की स्थिति है, सिजा के नालियों की स्थिति देख लो, कचड़े की स्थिति देख लो, बस से बदतर बना हुआ है। समूचे क्षेत्र में कोविड का प्रभाव है, कोई भी छिड़काव कोई भी दवा की छिड़काव नहीं हो रही। तो सिंगापुर बना न मिनी स्मार्ट सिटी बनी, सिर्फ और सिर्फ नंगापुर बन के रह गया सिंगरौली नगर। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए IAMACoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।